Welcome to Time News Studios. You are watching 9 p.m. Bulletin. ये ईवान मुतालबा करता है कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने पर बहस की जाए। तमाम यूरोपी ममालिक बिलअमूम और फ्रांसीसी बिलखसूस को इस मामले की संगीनी से आगाह किया जाए। तमाम मुस्लिम ममालिक से मामले पर सैर हासिल बहस की जाए, बात की जाए और इस मसले को इज्तमाही तौर पर बैनुल अक्वामी फोरम्स पर उठाया जाए। All those in favor of the resolution, aye. All those against, no. I think I have it in consecutive motion adopted. जी नहीं, आप वापस, आप अपना लैंग्वेज, आप हमेशा जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना आपको भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें, आप जो है ना अपने हाथ में, अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं, आप सीट बात सुने, बात करें ना, आप बात करें प्लीज, आप बात करें प्लीज। हुकूमत टीएलपी के मुतालबे तहत फ्रांसीसी सफीर जी मुल्क बदरी आईनामों से रसालत बाबत ठहराव कौमी असेंबली में पेश कर छो। ऑपोजिशन जो एहतजाज है गोट, नून लीग एमएनए शाहिद खाकान अब्बासी जी स्पीकर के जूतो हणन की धमकी। स्पीकर असद कैसर शाहिद खाकान विच में सख्त जुमलन की डेवट। शाहिद खाकान अब्बासी रोस्ट्रम वट पहुंची स्पीकर के अवं के शर्म न तो अचे। स्पीकर अवी जुबान संभालो, हर भेरे ये गाला हो। वफाकी वजीर फवाद चौधरी शाहिद खाकान के बयान से रद्द अमल जाहिर कर जूतो हणो तो अवाना 100 जूता इंदा। तुम अड़ी गाल छो था जैसा आम मानू के लगे तो हि कड़ी पार्लियामेंट है, इतने कड़ा कड़ा जोकर अची वन, इन सा पार्लियामेंट जो तासुर खराब थे तो। पाबंदी पियल तंजीम टीएलपी के मुतालबे तहत ठहराव पेश कर कौमी असेंबली के इजलास में ओपोजिशन पार्टीज जेयूआईएफए नवाज लीग की शिरकत। नवाज लीग हुकूमती ठहराव के अणपूरो करार डींदे गडियल तौर नव ठहराव तैयार करने मुतालबो कर छो। नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमत के पार्लियामेंट जो इजलास सदाइन का अगो ओपोजिशन से राबतो कर घुर्जे। हुक्मरान पार्लियामेंट के अखाड़ो बनाए छो है, ठहराव जो नव मतन तैयार कर एक कलाक जो वक्त दिनों वे, ठहराव इतफाक राय से मंजूर थे घुर्जे। जेयूआई के एमएनए असद महमूद टीएलपी से थियल मुआहदों पार्लियामेंट में पेश कर मुतालबो कहराव से ओपोजिशन के नजरअंदाज किया वो तो पार्लियामेंट की कार्रवाई हलण न डनी वी। बुधा वे तो वजीर आजम जो पॉलिसी बयान अचान बाद टीएलपी से छो गाल रात के वक्त थियल अगभराई बाबत अवान के एतमाद में वरतो वे। मीडिया के भी अवाम तई हकीकतों पहुँचाने की इजाजत दिनी वे। कलदम तहरीके लबैक से पाबंदी बरकरार रही। मजहबी मामलों घरू खाते के वफाकी वजीर के इजलास दौरान ब्रीफिंग। वजीर आजम इमरान खान है तो टीएलपी जो मकसद ठीक है पर तरीको गलत हो। आलमी सतह से केस पेश कर गड़ियल हिकमत अमली की जरूरत है। पीपल्स पार्टी कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत न कई। बिलावल भुट्टो जरदारी है तो पाबंदी पियल तंजीम टीएलपी के मामले में वजीर आजम पान गंद फैलाया, हाने वो गंद पान साफ करे या घर हलो वे। जारी कल बयान में बिलावल तो हुकूमत ए टीएलपी विच में थियल मुआहदों पार्लियामेंट में पेश न किया वो। वजीर आजम मामले से पार्लियामेंट के एतमाद में न वरतो, असेंबली में भी बयान न दिनों। हुकूमत रस्तन से एक्शन कयो, तंजीम के कलदम करार दिनो। पीटीआई हाने पार्लियामेंट पोयां लिखण घुरे थी। इस्लामाबाद में पैमरा के अगोणे चेयरमैन ए सीनियर सहाफी अबसार आलम से कातलानो हमलो, गोली लगन सबब जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। अबसार आलम वीडियो बयान में है तो हु F11 पार्क में वॉक कर रो हो तो हथियारबंद मथ फायरिंग कई, खेस एक गोली पेट में लगी है। डॉक्टर्स मूजिब अबसार आलम की हयाती खतरे का बाहर है। वफाकी घर वजीर शेख रशीद नोटिस वे जांच जो हुक्म दई छो। वफाकी वजीर फवाद चौधरी पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मरियम नवाज ए बन पारा अबसार आलम से हमले की मजम्मत। वफाक सिंध के अवाम का मसला हल कर सूबाई हुकूमत से गड कम कर तैयार है। वजीर आजम के सिंध में पुलिस खिलाफ शिकायतों बाबत आगाह कर छो। सिंध में पुलिस गर्दी जो मसलो अना भी है,
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मलीर ऐं ठटे जे दौरे दौरान चयो त सिहत कार्ड स्कीम ॿियनि सूबनि में शुरू थी वई आहे। सिंध सरकार जे राज़ी न थियण सबबि सूबे में स्कीम शुरू न थी सघी। वॾे वज़ीर मुरादरी शाह खे हथ ॿधी अपील कयां थो त सिहत कार्ड जारी करण लाइ वफ़ाक़ सां सहकार करे। सूबे जे मसइलनि ते वॾे वज़ीर सां मुलाक़ात बाद वज़ीर आज़म खे रिपोर्ट पेश कंदुसि। सिंध हाई कोर्ट गुज़ारा अलाउंस समेत ज़कात जी रक़म जारी करण ते पाबंदी लॻाए छॾी। ज़कात ऐं ॿियनि अलाउंसिस जे मद में जारी थियल रक़म जो रिकॉर्ड तलब। अदालत रिमार्क्स ॾिना त गुज़ारा अलाउंस, ईद पैकेज, मैरिज अलाउंस ऐं दीनी मदरसनि खे फंड ॾियण बाबति मैकेनिज़म नाक़िस आहे। लॻे थो यतीम माण्हुनि जा अरबे रुपया सियासी माण्हू खाई वेंदा आहिनि। अदालत सेक्रेटरी ज़कात सां मुख़ातिब थींदे चयो त सेक्रेटरी साहबु ॿिनि हफ़्तनि जो टाइम ॾेई रहिया आहियूं। सिंध जे समूरनि ज़िलनि जो रिकॉर्ड पेश कयो। अदालत ईंदड़ ॿुधणी ते सिंध बैंक जे सूबाई सदर खे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। ज़कात खाते जे सेक्रेटरी ॿुधायो त असां वटि 1,00,000 मुस्तहक रजिस्टर्ड आहिनि, जिन खे हर साल 12,000 रुपया ॾिना वेंदा आहिनि। अदालत चयो त गुज़ारा अलाउंस बदिरां माण्हुनि खे लाइ रोज़गार स्कीम छो न पिया ॾियो। अदालत सिंध जे समूरनि ज़िलनि में विरिहायल रक़म जा तफ़सील तलब कंदे ॿुधणी ॿिनि हफ़्तनि लाइ मुलतवी करे छॾी। छा तव्हां पंहिंजे घरवारी जे बैंक अकाउंट्स खां मुकमल लातालुक़ु आहियो? पर ॾेह में मिल्कियतूं ख़रीद करण लाइ उमाणियल रक़म ऐं ख़र्च सां तव्हांजो वास्तो न आहे? सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा खां टे सवाल पुछी वरिता। सुभाणे जवाब जमा कराइण जी हिदायत। ॿुधणी दौरान जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा दलील ॾींदे चयो त आउं रुॻो अदलिया ऐं मुल्क लाइ जज़्बाती थींदो आहियां। 12 मई वारे वाक़िए जी जांच थिए हा त ज़िमेवार अॼु दुबई में न हुजे हा। जेका बदनीयती मुंहिंजे केस में आई आहे उहा कॾहिं न आहे ॾिठी। सरीना ईसा चयो त इमरान ख़ान ऑफशोर कंपनी जो एतिराफ़ कयो। मूं लाइ इमरान ख़ान जहिड़ो मयारु न रखियो वियो। मुंहिंजे ख़िलाफ़ु ॾिनल हुकुम वापसि वरितो वञे। जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा खे चयो त पाण खे आजो करणो अथव त वाज़े ॿुधाए छॾियो। लंडन जी मिल्कियतुनि में तव्हांजो पैसो शामिल न आहे। तव्हांजी घरवारी तव्हांजे करे अदालत में आहे। अॻिते केरु बि पंहिंजी ज़ाल खां पुछण बिना जज न थिए। जज ऐं जजिस जे ख़ानदान जे बारे में को बि दोखो न थियणु घुरिजे। शुगर माफ़िया सटेबाज़नि ऐं मिल मालिकनि सां गॾिजी 110 अरब रुपया कमाया। जवाबदारनि कराची में 16 व्हाट्सएप ग्रुप ठाहिया हुआ। कराची जी अदालत में खंड स्कैंडल बाबति FIA तर्फ़ां जमा करायल उबूरी चालान में इंकशाफ़। चालान मूजिबि कराची ऐं पंजाब जे सटेबाज़नि गॾिजी खंड जी क़ीमतुनि ते सटो खेॾियो। जवाबदार खंड जूं क़ीमतूं वधाए रहिया हुआ। ठुल वेझो उरड़ी वबा ॿिनि मासूम ॿारनि खां हयातियूं खसे वरितियूं। ॻोठु कलंदर बख़्श बुरड़ो में 3 वरनि जी नींगरी, खैरा बुरड़ो ऐं 2.5 वरनि जो नींगर रहमीदात बुरड़ो उरड़ी सबबि फ़ौत। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त वधीक ॿारड़ा बि साॻी बीमारी में मुबतला आहिनि। नोटिस वठी डॉक्टर्स जी टीम उमाणी वञे त वधीक ॿारड़ा अॼु जो शिकार न थियनि। सिंध हुकूमत पोस्टिंग जे इंतज़ार में वेठल 20 ऐं 21 ग्रेड जे कामुरनि खे मुख़्तलिफ़ खातनि में मुक़ररु करे छॾियो। काज़ी शाहिद परवेज़ बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ खाते जो सेक्रेटरी मुक़ररु। इल्मुद्दीन बुलो खां इज़ाफ़ी चार्ज वापसि वरिती वई। राजा खुरम शहज़ाद बैन सूबाई मामलनि वारे खाते जो सेक्रेटरी मुक़ररु। नियाज़ अब्बासी MD ज़ुल्फ़िकाराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐं दानिश सईद KMC में म्यूनिसिपल कमिश्नर मुक़ररु। नासिर इक़बाल मलिक खे इंसानी हक़नि वारे खाते में सेक्रेटरी मुक़ररु कयो वियो। समूरा नोटिफिकेशन जारी। कश्मीर में 3 ॾींहं अॻु मासूम नींगर खे ज़मीन ते उछले क़तलु करण जे इल्ज़ाम हेठि मुख्य जवाबदार ज़ुल्फ़िकार मीरानी भाउ सूधो गिरफ़्तार। केस दाख़िल। नींगर सुधीर मीरानी खे उछलण वारे वाक़िए जा CCTV फुटेज टाइम न्यूज़ हथु करे वरिता। फुटेजिस में ॾिसी सघिजे थो त जवाबदार ज़ुल्फ़िकार मीरानी नींगर खे ज़मीन ते उछलाए रहियो आहे। ज़मीन ते उछलण सबबि नींगर ज़ख़्मी थियण बाद इस्पताल में दम ॾिनो हो। वाक़िए जो कारण मालूम न थियो। हैदराबाद जे ख़ानगी स्कूल जी रिहाइशगाह मां लेडी टीचर जो लाश हथ, हिकु लेडी टीचर बेहोश। मुबारक कॉलोनी में स्कूल मां नारी आमना जो लाश ऐं सुल्ताना बेहोशी वारी हालति में हथु आई। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट खां अॻु ई नारी जे मौत जो कारण फूड पॉइज़न ॼाणाए छॾियो। पुलिस जी दावा आहे त सुल्ताना होश में अचण बाद बयानु ॾिनो त हुननि राति देरि सां पारूथा चांवर खाधा हुआ। लाश बिना पोस्टमार्टम जे वारसनि हवाले, वारसनि तर्फ़ां मौक़िफ़ ॾियण खां इनकार।
सिंध हाई कोर्ट सख 266 म्यूनिसिपल मुलाज़मन के ईद का अग पघारू जारी करण जो हुक्म दई छो। दरख्वास्त बुधनी दौरान जस्टिस फहीम सिद्दीकी रिमार्क्स दिना तो जैसे लागाफियल इख्तियार के पघारों से एतराज़ ना है तो मुलाज़मन जो पघारू छो बंद हैं। अदालत तरफा मुलाज़मन के 6 महीन जो पघारू जारी करण जो हुक्म। एहतसाब अदालत 266 मुलाज़मन की जाली भर्ती केस में अगुणन म्यूनिसिपल ऑफिसर्स के सजा भी बुधाई हुई जैं बाद मुलाज़मन जो पघारू रोक व्यू। सिंध हाई कोर्ट सखर बेले खाते के ऑपरेशन में हिस्सों वठंदड़ ऑफिसर्स की बदलिन ए मुकररिन का रोके छोड़ो। ऑपरेशन में हिस्सों वठंदड़ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट डीएफओ आरएफओज के बदली न करण जो हुक्म। अदालत केस जो लिखित में फैसलो जारी कर छोड़ो। मुंजदड़ो में किंग प्रीस्ट के मुजस्मे की तस्लील वाले केस में गिरफ्तार जवाबदार गुल मोहम्मद उर्फ हलन हुलियो मुंजदड़ो की अदालत में पेश। पुलिस जवाबदार तामीर हुसैन के पेश न कयो। अदालत जवाबदार गुल मोहम्मद हुलियो जो बिन दिन रिमांड मंजूर कदे केस में नामजद समूरन जवाबदारन के गिरफ्तार करे पेश करण जो हुक्म दई छो। पंजाब के इलाके रहीम यार खान में लाहौर का कराची वेंदड़ माल भरदार ट्रेन जो 5 बोगियों पटड़ी तां लही वयूं। डाउन ट्रैक मुअत्तल। रेलवे इख्तियारों का चवण है तो ट्रैक बहाल करने लाए रोड़ी मां रिलीफ ट्रेन घुराई वही जैं बाद फौरी तौर ट्रैफिक बहाल किया वेंदो। तंगवाणी में भोपे के तशद्दुद में मारजी वियल नींगरी शफाना लाशारी जो लाश पोस्टमार्टम बिना दफनाया वो। इलाके में राजुनी जरिए मामलो लय मिटी करण जा चो बोल। नींगरी जे पी मीर हसन लाशारी जो चवण है तो नींगरी बीमारी सबब फौत थी। पुलिस धुरन में सरचार्ज जो जवाब जानाए भोपे के गिरफ्तार न कयो। सिंध में जिन्सी ज्यादती के वाक़ में बाद पनोआकिल में नींगर सा मुबैना बदफैली। कुंडरी में बालक के बदफैली जो निशानो बनाने वाले केस में नामजद ब जवाबदार गिरफ्तार। खोड़ा में 5 दिन अग एसएचओ खोड़ा और बेन तरफा नारी से ज्यादती वे मामले में अग भराई नी। मुतासिर नारी के बयान वठण लाए एसएसपी ऑफिस खड़ी वन की कोशिश। मुतासिर नारी पुलिस से गड वन का इनकार कर छो। कोठड़ी में सहूलत की खोट खिलाफ वफाकी वजीर आडो एहतजाज कदड़ रेलवे खाते के 11 मुलाज़मन के लाहौर हेडक्वार्टर रिपोर्ट करण जो हुक्म। कुछ ढीह अग वफाकी वजीर आजम सवाती के दौरे दौरान मुलाज़मन रेलवे कॉलोनी में पानी और बिजली मामले से एहतजाज किया हो। रेलवे इख्तियार पारा बदली कल मुलाज़मन के वफाकी वजीर के चीफ पर्सनल ऑफिसर आडो पेश करण जो हुक्म। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ से गड़ आऊं ताहिरा वज़ीर। हेडलाइंस वटियूं तफ़सीली खबरूं शॉर्ट ब्रेक का पोइ।